इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये है साइकस फार्म। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही हार्डी सा प्लांट है जिसकी कोई ज़्यादा हमें केयर नहीं करनी पड़ती, फिर भी ये बहुत ही अच्छा जो है ग्रो करता है। मेरा जो ये साइकस फार्म का प्लांट है कोई 7-8 साल का है ये मेरे पास, और बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये जो इसके आप लीव्स देख रहे हो, ये इसके बिल्कुल न्यू लीव्स हैं। इसी साल इसमें ये वाले लीव्स जो हैं अप्रैल मई में इसमें आते हैं। जब बाहर का सीज़न होता है तभी मेरा जो प्लांट है इसमें साल में एक ही बार जो है लीव्स आते हैं। और जो पुराने लीव्स होते हैं उनको मैं कट भी कर देती हूँ। और ये देखिए अभी कितने अच्छे, ये जो प्लांट है बहुत ही जो है स्लो ग्रो करता है। साल में इसमें एक ही बार जो है पत्ते आते हैं, और साथ बहुत सारे पत्ते जो हैं इकट्ठे ही आ जाते हैं। जो आप ये देख रहे हो ये एक साथ ही निकले हुए हैं पत्ते, और बहुत ही हार्डी सा प्लांट है। कोई हमें इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। बस थोड़ी जो इसकी मिट्टी है वेल ड्रेन हो, जहाँ जिस गमले भी में आप इसको लगाएँ वेल ड्रेन मिट्टी में। और पानी की बात करते हैं तो पानी आप इसको तभी दें जब इसकी जो ऊपर की लेयर है मिट्टी सूख जाए, फिर आप इसमें पानी डालें। मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट रखें, ज़्यादा ड्राई साइड में ना रखें। बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। फिर ग्रो तो कर लेता है ये धूप में भी और शेडी एरिया में भी, मगर जब गर्मी का मौसम होता है तो तब आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसको ज़्यादा धूप ना मिले। ऐसे 1-2 घंटे की धूप मिली तो ये बर्दाश्त कर लेता है। ये तो धूप में भी ग्रो कर जाता है और छाया में भी, मगर जो धूप में ज़्यादा रखोगे तो उसकी पत्तियाँ जो हैं बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो साइकस पाम का प्लांट है ये बहुत ही एक आसानी से जो है ग्रो होने वाला प्लांट है। अगर आप गमले में लगाओगे तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है, और अगर ज़मीन में लगाओगे तो ये बहुत ही अच्छे से जो है ग्रो करता है और धूप में भी सर्वाइव कर लेता है। और गमला इसके लिए जब भी लें, स्टार्टिंग में चाहे आप छोटा गमला लगा सकते हैं, मगर जब भी ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो तो उसके लिए बड़ा ही गमला होगा तो ये अच्छे से जो है ग्रोथ करता है। और आप इसको ज़्यादा धूप में ना रखें, तो जब आपने गमले में लगाया तो इसको शेडी प्लेस में ही रखें जहाँ इसको थोड़े से टाइम की जो है धूप मिले, सूरज की अच्छी रोशनी मिले और ज़्यादा धूप भी ना इस पर पड़े, खासकर गर्मियों में, तो फिर बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। और कोई इसको ज़्यादा ना ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। और मैं अपने प्लांट की बात करूँ तो मैं इसको जो है एक साल में एक बार फर्टिलाइज़र दिया था DAP। और अगर आप ऐसा DAP वगैरह नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको कोडंग कंपोस्ट दे सकते हैं, और कोडंग कंपोस्ट चाहे आप साल में 2-3 बार भी दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और बहुत ही अच्छा देखिए ग्रोथ कर रहा है ये, बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है। इसको जो है थोड़ी सी जगह जो है ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप टाइट जगह में रखोगे तो इसके लीव्स जो हैं मुड़ जाते हैं। थोड़ी सी खुली सी जगह चाहिए होती है इस प्लांट को, जहाँ इसको इसके जो लीव्स हैं इनको स्पेस मिले, फिर बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। और ये देखिए मेरा प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और मैं इसको जो है पानी तभी देती हूँ जब इसकी जो ऊपर की लेयर सूख जाती है। और जहाँ मैंने अपने प्लांट को रखा है जहाँ इसको 1-1.5 घंटे की धूप मिलती है, पहले मैंने इसको फुल सन में रखा था फिर इतने अच्छे से जो ग्रोथ नहीं कर रहा था। अभी मैंने इसको थोड़ा सा शेडी प्लेस में रखा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा है ये, इसका जो तना है कितना बड़ा है। और मैंने इसको 16 इंच के गमले में लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है ये।
कोई मैं इसकी ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ कि ज़्यादा इसको मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ या ये करती हूँ वो करती हूँ कुछ भी। अगर आप फर्टिलाइज़र की बात करें तो अगर आप इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होता है वो देना चाहते हैं तो DAP दे सकते हैं इसको साल में एक बार ही। मैं तो ज़्यादा नहीं देती हूँ, साल में एक बार दे दें ठंडी के सीज़न में जब गर्मी ना हो। तो अगर आप DAP नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको सबसे बेस्ट है काउडंग कंपोज दे दें, और काउडंग कंपोज दे दें तो उसके वो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। मैं इसको कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ फिर भी ये बहुत ही अच्छा जो है ग्रोथ करता है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होता है इस प्लांट का कि जब इसके जो न्यू लीव्स आते हैं बाहर के सीज़न में और तभी इस पर जो है अटैक होता है, जो भी इसके जो नए पत्ते होते हैं उन पर जो है कीड़ा लग जाता है और उनके नए पत्तों को खा जाता है जब वो सॉफ्ट होते हैं। जब इसके जो पत्ते हैं थोड़े से महीने दो महीने के हो जाते हैं तो वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, उनको कोई फिर कोई जो पेस्ट है वो उनको खा नहीं सकते हैं। स्टार्टिंग में जब इसके न्यू लीव्स निकल रहे होते हैं तभी डर होता है कि इसके पत्तों को जो है पेस्ट बहुत जल्दी अटैक करते हैं, और जब निकल ही रहे होते हैं नए पत्ते तो उनको ख़राब कर देते हैं। तब आप इसका ध्यान रख सकते हैं कि जब नए पत्ते निकल रहे होते हैं तो आप उसमें जैसे ही आप दिखेगी कुछ है तो आप नीम ऑयल का जो है स्प्रे कर सकते हैं इस पर, या जो साबुन का पानी होता है सोपी वाटर उसका जो है एक दो बार हफ्ते में एक दो बार जो है स्प्रे करते रहें तो फिर भी ये जो पेस्ट का अटैक है इसमें नहीं होता है। पिछले साल मेरे इस प्लांट के जो जब भी नए लीव्स निकले थे तो उसी समय जो है पेस्ट ने इसके सारे जो न्यू लीव्स थे वो खा लिए थे और पूरे साल जो ऐसे ही अच्छे पत्ते नहीं थे इसके। इस बार फिर मैंने इसको ऐसी जगह रखा जहाँ इसको इस प्लांट का जो है मैं ध्यान रख सकूँ। जब न्यू लीव्स आ रहे थे तो मैंने इसका पूरा ध्यान रखा और पेस्ट का अटैक नहीं हुआ और अच्छे लीव्स जो है अभी देखो इतने अच्छे लीव्स हैं इसके, और कोई पेस्ट का इसमें अटैक नहीं होता है। जब नए पत्ते निकल रहे होते हैं तभी जो है इसके सॉफ्ट से पत्ते होते हैं तो वो जो पेस्ट हैं तब इस पर जो है अटैक करते हैं, तभी आप ध्यान रखेंगे तो फिर इसमें कोई अटैक नहीं होता है। और बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की, तो मेरा जो 7-8 साल का ये प्लांट है इसमें तो अभी जो है बेबी प्लांट इसमें तो नहीं निकल रहे हैं, और कहते तो हैं कि इसमें से न्यू बेबी जो है इसके जड़ों से जो है बेबी प्लांट्स निकलते हैं साइड से, और जब थोड़ा प्लांट जो है पुराना हो जाता है फिर निकलते हैं बेबी प्लांट्स, या प्लांट जो है 10-15 साल का हो जाता है फिर इसमें ये फ्लावर सा बनता है और उसमें बीज लगते हैं तो बीजों के थ्रू भी इसके जो है प्रोपोगेशन होती है, और इसके जो है साइड से जो है इसका जो तना होता है उसके साइड से भी जो है इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं, तो उसको आप सेपरेट करके जो है नए प्लांट्स इसके बना सकते हैं। और बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, कोई इसकी हमें ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है और कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो अपने प्लांट को ज़्यादा ना ही फर्टिलाइज़र बार बार देती हूँ, सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है इसको। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लगाइए इसे बहुत ही खूबसूरत और इजी ग्रोइंग प्लांट को जिसकी हमें ज़्यादा कोई केयर नहीं करनी पड़ती और बहुत ही खूबसूरत सा लुक देता है हमारे गार्डन को, चाहे आप इसको गमले में लगाएं चाहे ज़मीन में लगाएं। yeah.